तो वो ना 1 पाउंड या 2 पाउंड ऊपर से लेके सर्टिफिकेट बना देते हैं कि आप आगे भी दवाई लेने आओगे ना तो आपको फ्री दवाइयाँ मिलेगी। देखो गाइस मैंने दवाई ले ली अपनी, ये दिखाना था गाइस। वैसे मेरे को मेन ये हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर है कोवेंट्री का, कैसे आप सब लोग। तो गाइज आज हूँ यूनिवर्सिटी में, ये देखो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में हूँ। और एक बुरी खबर है, बुरी खबर क्या है यार, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। मैं ज़रा जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट है, कुछ दिक्कत है कुछ नहीं भी है तो बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। तो ऐसी, और अभी मैं घूमूंगा सिटी सेंटर इधर उधर, मतलब इतना भी बड़ा कुछ है नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, बट मेरी अपॉइंटमेंट है तो मैं ज़रूर थोड़ा बहुत चेक करा के आऊँगा, ठीक है ना। और घूमूंगा इधर उधर सिटी सेंटर में गाइस, ठीक है ना। सिटी सेंटर देख लो कुछ, आज बड़ा ही खूबसूरत वेदर हो रहा है। और मैंने वैसे ही इसलिए वीडियो बनाई अपना बताने के लिए नहीं, कि जैसे कोई और स्टूडेंट है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का तो उसको कैसे डॉक्टर के पास वो जा सकता है, क्या कर सकता है। तो भाई देखो, एक तो यहाँ पे ना ढलान थी तो ऊपर चढ़ाई चढ़ के आया, तो हाथ में कैमरा पकड़ा होता है ना ऐसे, तो एक तो ठंड बहुत हो रही है और हाथ सुन्न हो जाता है। तो पता क्या यार, देखो सबसे पहले तो भाई अपने जीपी के साथ रजिस्टर कर लो, जीपी के साथ अपने रजिस्टर कर। ओए यहाँ तो बिल्डिंग सी थी एक, ये देखो यहाँ पे बिल्डिंग हुआ करती थी ना, वो पूरी टूट गई है पूरी, देखो। और ये है गाइज हब, ये जो सामने आप देख रहे हो, और यहाँ पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो होता क्या है गाइज, अगर आपका जीपी रजिस्टर्ड है पहले से ही तो आप यूनिवर्सिटी मतलब अपने जीपी के उसमें फ़ोन करते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली कॉल पे कनेक्ट कर देते हैं, ऑप्शंस पूछते हैं कि भाई आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो उसमें ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और जो हमारी अपॉइंटमेंट बुक होती है ना, फिर वो हमारी डायरेक्ट हब में ही होती है। तो मतलब जो कि अगर हमें आना हो यूनिवर्सिटी के, कुछ भी अगर हमें फैसिलिटी लेनी हो डॉक्टर की, मेडिकल फैसिलिटी, तो हमें इस हब के अंदर आना पड़ता है। इसकी फ्रंट से एंट्री है सेकेंड फ्लोर पर, तो ऐसे करके सिस्टम होता है भाई यहाँ का। तो इस वजह से भाई अभी मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी और थक भी गया हूँ, तो आपको मेरे को ये बताना था। बाकी अभी मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, रचित भी आएगा उसके साथ भी मैंने व्लॉग कंटिन्यू करना है। ये देखो यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम बन गया है, द कोर्ट यार्ड रेस्टोरेंट बन गया यहाँ पे, देखो टुक टुक। तो ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पे। बाकी आते ही भाई अपना जीपी ज़रूर रजिस्टर कर लेना, और ऑनलाइन ही हो जाता है यार, फ़ोन करके कर लो नहीं तो भाई अपना फॉर्म फिलअप करके कर लो, बस अपना जीपी रजिस्टर कर लेना। वैसे मैं आज तक जीपी के पास तो गया नहीं, आपको यहीं पे आना पड़ेगा, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे खुद ही पूछ लेते हैं, भाई आप स्टूडेंट हो तो आप यही वाले में आ जा सकते हो, ठीक है। तो मैं ज़रा डॉक्टर के पास होके आया, फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये है हब का फ्रंट, देख लो ऐसा कुछ है। तो इस वाले हमें यहाँ से जाना है, ये बाहर की लोकेशन देख लो यहाँ से। गाइस हो गया हूँ फ्री डॉक्टर के पास से, कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब जैसे वो होता है ना थोड़ा सा पिंपल सा हो जाता, थोड़ा बड़ा सा वैसा कुछ हुआ, बट ओके है, कोई बात नहीं। अभी 4 एंटीबायोटिक लिख के दिए उसने, उसने कहा दिन में 4 लेनी है, 100% सही हो जाएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, बस उसको बोला शॉर्ट आउट हो जाए इस काम को। तो बाहर जाके थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँ मैं यार आप सबके लिए, रचित भी आएगा। तो यही दिखाना था गाइस, वैसे मेरे को मेन ये हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर है कोवेंट्री का, फिंगर्स क्रॉस किसी को कुछ हो ना, बट बाय चांस अगर कभी किसी को जाना पड़ जाए तो भाई ये जगह है कोवेंट्री की, याद रखना। ओके गाइस, तो गाइस देखा अभी आपने, देखा क्या, मैं अभी केमिस्ट पे गया था। यहाँ पे क्या होता है गाइज़, देखो मैं आपको सिस्टम बताता हूँ यहाँ मेडिकल का। तो गाइज़ क्या सिस्टम होता है, देखो गाइज़ मैंने दवाई ले ली अपनी, तो होता क्या है भाई, देखो
हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जीपी के पास जाते हैं ना, तो हमें ना उनसे मतलब जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन हमें देते हैं ना, तो हमें उनसे ना एक वो केमिस्ट रजिस्टर कराना पड़ता है। तो वो कराने के बाद जब भी हमारी कोई दवाई बनती है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली केमिस्ट को भेज देते हैं आसपास वाले, जो भी आप दोगे। तो आपको उनसे दवाई लेनी होती है अपनी, और फिर तो केमिस्ट को जितना भी बिल बनता है, फॉर एग्जांपल 20 पाउंड का बिल बना, तो कुछ कुछ केमिस्ट ना क्या करते हैं, जैसे भाई आपका कोर्स जो है दवाइयों का, वो चलेगा भाई 3 मंथ तक, ठीक है। तो कुछ कुछ केमिस्ट क्या करते हैं भाई, आपको रिपीटेड दवाई चाहिए बार बार, तो वो ना 1 पाउंड या 2 पाउंड ऊपर से लेके सर्टिफिकेट बना देते हैं कि आप आगे भी दवाई लेने आओगे ना, तो आपको फ्री दवाइयाँ मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है भाई। तो आप भी अपने केमिस्ट से ऐसे बात कर लेना, 1-2 बारी बस पैसे देने होते हैं, मतलब 1 बारी देने होते हैं। मैंने तो आज तक जब से आया हूँ भाई 1-2 बार दिए हैं पैसे, दिए हैं यार, छोड़ो मैं अपना क्या बताऊँ आपको। तो भाई देख के भाई, मतलब मैं ना क्या करता हूँ, उनको ना उनसे ना सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ जो 3 से 6 महीने तक वैलिड होता है। तो बस अभी निकल के आया हूँ वहाँ से केमिस्ट की दुकान से, इतनी सी दवाई ली है, पता नहीं कितने पाउंड की होगी, मैंने तो पूछा भी नहीं रेट। उससे कहती पैसे दो, मैंने कहा मेरा सर्टिफिकेट बना, मैंने सर्टिफिकेट दिखाया उसे, मतलब उन्होंने ही दिया था। ये केमिस्ट मेरे बहुत नोन में है, मैं 3 साल इसी एरिया में रहा हूँ भाई, तो मेरे को जान गए हैं वो। बट आज वो जो मेरे नोन में जो लेडी थी वो नहीं खड़ी हुई थी, उनकी कोई स्टाफ थी, तो उन्होंने दे दी मुझे ऐसी दवाई, क्योंकि मैंने उन्हें सर्टिफिकेट दिखा दिया था। अब ऐसे ही आप चले जाओगे, उनको बोलोगे भाई मेरे को फ्री में दवाई दो, तो ऐसे भी दिन दे देंगे वो, तो बेईमानी नहीं करनी तो खाली, और ख़ास करके दवाई के मामलों में। बट ये भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते, बट आप देख के करना, ठीक है। जैसे ये केमिस्ट है, पता नहीं क्या है, छोड़ो जो भी है अपने को क्या। तो इसलिए गाइस देख के सब कुछ किया करो, और इधर आप अकेले हो और कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होना है यार आपको गाइस, तो अपना सबसे पहले जाके, क्योंकि भाई स्पेशली मेरी वीडियोस जो हैं आंटियाँ बहुत देखती हैं, सभी आंटियों को नमस्ते, जो जो आंटियाँ वीडियो देख रही हैं। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई मेरी मम्मी आपकी सारी वीडियोस देखती हैं ये वो, तो सभी को थैंक यू सो मच यार। और जो भी भाई स्टूडेंट आते हैं, स्पेशली मम्मी हो, सुन लो सारी, अपने बच्चों को समझा के भेजना कि जब भी कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो वैसे तो ये ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, डॉक्टर मेरे से जाते ही पूछा कि पैरासीटामोल खाई आपने, फीवर तो नहीं है, ये वो ऑक्सीजन लेवल चेक किया, जो भी थर्मामीटर से पता नहीं कान में डाल के मेरे थर्मामीटर चेक किया, नया सिस्टम आता जा रहा है। पहले सबसे पहले भाई हमारा आता था थर्मामीटर अपनी जीप के नीचे रखो, या फिर थर्मामीटर अंडर आर्म्स पे रखो, फिर उसके बाद चेंज हुआ, वो डिजिटल वाला थर्मामीटर आया, यहाँ पे जीप के नीचे रखो, उसके बाद वो टेम्परेचर गन वाला आता है वो आया, अब पता नहीं इसने क्या किया कान में, वो मारा टेम्परेचर चेक हो गया, यार नॉर्मल है टेम्परेचर, तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके होता है भाई, तो देख के भाई कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, फिर बता रहा हूँ मैं, तो अपना देख के रहा करो गाइस, कोई भी इधर आपकी टेक केयर नहीं करेगा। देखो पूरे चारों तरफ अकेले चल रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब ये क्या लगा हुआ है, मेरी बस गाइस मेरे को यहाँ से मिलती है सिटी सेंटर से, और तो मैं यहीं से जा रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा वैसे बोला चला भी नहीं जा रहा, मतलब इतना भी मेरे को कुछ वो नहीं हुआ, बट हाँ यार कुछ तो थोड़ा बहुत होता ही है, बताऊंगा आपको जब मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ा सा, फिर बताऊंगा। तो क्या ही बताना वैसे इसमें यार, बता चुका हूँ वैसे मुझे आज आपको। तो भाई पता नहीं क्या भाई, ये देखो जॉइंट व्हील लगा हुआ है, थंबनेल के लिए क्या पता फोटो में ये लगा दूँ दवाई। तो इसलिए भाई अपना देख के रहो सब, आप ही अकेले हो यहाँ पे, नन्ही सी जान हो अपने मम्मी पापा की, तो उनका नाम आप ही ने रोशन करना है सबका, तो संभल के रहो। बाकी अभी मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, रचित आ रहा है उसके साथ व्लॉग कंटिन्यू करना है अभी मैंने। देख लो ये है सिटी सेंटर का कुछ व्यू, प्राइमार्क आ चुका है, और ये है, ये देखो गाइस कोवेंट्री में क्या लगा हुआ है, डेकोरेशन हुई है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है, फ्री क्या लिखा हुआ है, फ्री फ्री मुझे बड़ी जल्दी दिखता है वो, फ्री कुछ लिखा हुआ है, पिक एंड मिक्स फिंगर्स फ्री जोन 1.99 की है ये सब, देख लो पता नहीं खुला है बंद है क्या है, हमें क्या बता भाई, खुला ही होगा अभी शायद, खुलेगा क्योंकि अभी टाइम ही 5 ही बजे हैं। ये देखो ये भी है भाई इधर, और पूरा सिटी सेंटर ये सजाया हुआ है इन्होंने पूरा, क्या थोड़ा बहुत ही फर्स्ट टाइम जॉइंट व्हील लगाया गाइस वैसे मैंने देखा है यहाँ पे ना,
इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखा यार, पिछले 3 सालों में जॉइंट व्हील नहीं देखा मैंने कभी ना। ये देखो पूरा ऊपर तक है, क्या बात। और ये है यहाँ का व्यू क्रिसमस। सिस्टम भाई सिस्टम। तो गाइज सिटी सेंटर से वापस मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, शायद रचित ना आ पाए, मेरी अभी उससे बात हुई है मैसेजेस पे, उसको कुछ काम आ गया है, वो 20-30 मिनट्स बाद आएगा और अभी मैं शायद उस हालत में नहीं हूँ, मैं घर ही जा रहा हूँ यार। तो बस यार मेरे को यही बताना था आप सबको। और हाँ भाई, मैंने शायद आपको एक चीज़ और दिखाई थी कि यहाँ पे ना एक स्वीट कॉर्न वाला है, हम दिल्ली में स्वीट कॉर्न खाते थे, एक स्वीट कॉर्न होते हैं, जिनको पता है भाई उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। यहाँ पे एक कोवेंट्री लोअर प्लेनेट, ये एक मॉल है, यहाँ पे एक स्वीट कॉर्न वाला है, 2 पाउंड 20 पेंस के देता है बस, बहुत टेस्टी होते हैं, स्पेशली करी फ्लेवर बहुत टेस्टी है, ठीक है। तो अगर खाना हो आपको तो खाने आ जाना है यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। तो भाई मैं बस चलता हूँ यार, बाकी सारे लोग अपना सुरक्षित रहो, सेफ रहो, बी केयरफुल, और किसी की इधर उधर बातों में मत आओ, अपना देख के दोस्ती करो जिससे भाई करनी है, और सब बातें अपने घर में शेयर करो, ठीक है गाइस। बस आज के लिए इतना, ज्ञान बहुत है, मैं ये मत समझना भाई मैं आप सबको ज्ञान दे रहा हूँ या कुछ, मेरे को बस ये है कि आप सबसे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया यूके में, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं है भाई। मैं कौन हूँ, मैं क्या पता आप देख रहे हो मैं आपसे छोटा हूँ, अभी तो 21 ईयर्स का ही हूँ मैं। और बहुत सारे लोगों को भाई डाउट होता है, मेरी बैचलर्स चल रही है भाई, मास्टर्स भी चल रही है, ठीक है ना, बैचलर कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो एनीवेज गाइस एंड करते हैं भाई आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और जीपी वगैरह के बारे में ध्यान रखना, जीपी वगैरह अपना रजिस्टर कर लेना, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाकी ज़्यादा आपको। सॉरी, वो पीछे कोई बैगर था, वो मेरे से चेंज मांग रहा था, तो उसको मैंने सॉरी बोला। तो यहाँ पे एक और बता दूँ आपको, कहीं से निकल रहे हो कोई सामने आ जाता ना तो सॉरी बोलते हैं भाई ऐसे ना, ये यहाँ के मैनर्स हैं, सॉरी प्लीज़ थैंक यू हर चीज़ में बोलना ही बोलना है, नहीं तो सामने वाले लोग बुरा मान जाते। तो बस ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं आज आप सबको, एंड करते हैं भाई आज की वीडियो, और आई होप अच्छी लगी हो आपको। तो मिलते हैं गाइस आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।